अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हमने ये जो गाड़ी है मेहरान, इसका प्रोजेक्ट लिया है और हम इसको जो है ना वो 660 सीसी इंजन में कन्वर्ट करेंगे। और इसका जो पुराना इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा मसले थे उसमें, और चूंकि ये मॉडल भी काफ़ी पुराना था गाड़ी का, इसलिए हमने जो है ना वो यही प्रोजेक्ट लिया था कि इसको हम 660 सीसी में कन्वर्ट करेंगे। और जो लोग इंजन रिकमेंड करते हैं या फिर जो मसलन के जिससे आप इंजन स्वैप करते हैं, वो आपको जो है ना वो आल्टो 660 सीसी होती है जो है ना 2006 मॉडल, उसका ही इंजन जो है ना वो आपको प्रेफर करते हैं। और वो इंजन इज़ द बेस्ट इंजन है क्योंकि वो 2008 या 9 मॉडल होती है आल्टो, और उसको जो है ना वो एवरेज भी आपको गाड़ी अच्छी देती है उससे। फिर जब हमने फैसला किया तो फिर हमने कहा चलें जी वो वाला इंजन हम उसमें स्वैप करवा लेते हैं, क्योंकि उसके पार्ट्स भी मिल जाते हैं इधर से, और ये जो जितना भी सारा काम है ये हम जो है ना करवा रहे हैं रावलपिंडी से सदर में, और जिनके पास हम काम करवा रहे हैं वो मुशरफ नाम है उनका, और जो वो काम करते हैं वो मैंने काफ़ी ज़्यादा बंदों से सुना है कि वो काफ़ी अच्छे कारीगर हैं, और वो इसमें जो है ना वो इंजन हमें स्वैप करके देंगे। और ये उन्होंने कहा था कि जो गाड़ी का इंजन है वो जेन्युइन अपने ठियों पे आएगा, उसमें कोई वेल्डिंग शेल्डिंग नहीं होगी, मतलब कि जो साइड पे कुप्पे होंगे वो वेल्ड उनके ऊपर कोई भी वेल्डिंग करके ठिया नहीं अटैच किया जाएगा, जेन्युइन जो मेहरान के ठिये होते हैं उसके साथ ही उसकी एडजस्टमेंट की जाएगी। तो मैंने कहा चलें ठीक है, फिर हम आपसे इंजन वगैरह स्वैप करवाते हैं। और इसमें ये होता है कि गाड़ी के जो एक्सल्स होते हैं वो कुछ है जो मसलन के नए होते हैं, जिनको आइडिया नहीं होता कि गाड़ी के इंजन कैसे हमने स्वैप करवाना है, वो ना एक्सल को कट करके लगाते हैं, ठीक है? तो वो जो एक्सल होते हैं ना वो फिर टूट जाते हैं। लेकिन कोशिश यही करें कि जब आप गाड़ी का इंजन चेंज करवाएं तो आप, एक तो बात है कि आपको सारा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? और ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि चले आपको एक नॉलेजेबल वीडियो मिल जाएगी, ठीक है? इसमें जो है ना हमने जो एक्सल डाले हैं ना वो जेन्युइन बनवा के डाले हैं, ठीक है? उसमें कोई कॉटन वेल्ड नहीं है, ठीक है? वो हराबिये के पास हम गए थे तो उसने हमें वो एक्सल बना के दिए, और उसी हिसाब से जो गोडे हैं वो लगे थे उसके आल्टो के ही। मतलब कि जब गाड़ी का इंजन हम काम करवा रहे हैं तो हमें जो चीज़, मुझे जिस 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 चीज़ का नॉलेज था मैंने उस बंदे से शेयर किया है, और जो मुझे थोड़ा सा अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह आई है तो वो मैंने मज़ीद उसके ऊपर रिसर्च करके जो है ना फिर अपना काम कंप्लीट करवाया। लेकिन अभी जो गाड़ी है वो इसका इंजन अभी निकालेंगे ये, और देख सकते हैं कि इसका इंजन कितनी वो बुरी हालत में है। ये तो कबाड़ के वो जब मैं इसको बेचने गया तो उन्होंने इसको जो है ना वो परचेज ही नहीं था किया, ये बस समझ लगे 10-12-15 हज़ार रुपये का इंजन उन्होंने मुझसे लिया था। बाकी अब ये सारा इसको खोलेंगे आगे से, इसकी जो है ना ये जितने काफ़ी ज़्यादा काम है, ये नहीं कि काफ़ी आसान होता है, काफ़ी मुश्किल होता है इस तरह की जो प्रोजेक्ट होते हैं, और उसके बाद फिर इसको सही बिठाना ये सारा कुछ करना वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन ज़ाहिर बात है फिर कुछ ना कुछ तो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। और जो टोटल कॉस्ट इसके ऊपर आई थी वो तकरीबन हमारी एस्टिमेटेड तो थी 1,30,000 रुपया, लेकिन जब हमने काम स्टार्ट किया तो फिर करते करते जो है ना वो हमारी जो अमाउंट थी वो 160, मतलब 1,60,000 रुपया हमारा इस गाड़ी के ऊपर लगा इंजन दे के, हमने नया इंजन जो रखवाया। और इंजन भी इज़ द बेस्ट इंजन था, साफ़ सुथरा इंजन, नीट एंड क्लीन। और प्राइसेस आपको पता है कि अभी ज़्यादा हो गई हैं इंजन की, तो जो इंजन पहले मिलता था 50,000 रुपये का, 60,000 रुपये का, अभी वही इंजन जो है ना मिलता है तकरीबन 1,00,000 रुपये का, 89,000 का या 90,000 का, कुछ बंदे हैं उनके पास कुछ 1,00,000 रुपये का या 1,10,000 का भी आपको इंजन मार्केट से जो है ना वो मिलेगा। मतलब कि डिफरेंट प्राइजेज हैं इंजन की कंडीशन के हिसाब से, तो एस्टिमेटेड जो प्राइस है ना हमें वो 95 का इंजन पड़ा था 94,000 रुपये का। फिर उसके बाद हमने लेबर दी 30,000 रुपया, फिर उसके बाद इसके एक्सल गोडे और इसका गेयर लीवर, और हमने इसमें मसलन के जो ये एक्स्ट्रा खर्चे थे
इसमें इसका साइलेंसर था वो हमने चेंज करवाया, उसके ऊपर पैसे लगे काफ़ी ज़्यादा। तो करने कराने के बाद हमने जो एस्टीमेट निकाला था वो 160,000 रुपया हमारा इस प्रोजेक्ट के ऊपर लग गया इंजन स्वैप करने में। लेकिन ये कि इंजन स्वैप करने के फ़ायदे ये हैं कि आपको मेंटेनेंस जो मेहरान की होती है उसे जान छूट जाती है। मतलब कि ये होता है कि आप जा रहे हैं कहीं गाड़ी बंद हो जाएगी। मेहरान में जो प्रॉब्लम होती है वो बेसिकली होती है वायरिंग की, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है उसके कॉइल शॉर्ट हो जाते हैं, उसके जो प्लग हैं वो शॉर्ट हो ख़राब हो जाते हैं, तो उसको मेंटेन रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर हम इसलिए हमने ना यही डिसाइड किया कि इसका इंजन जो है ना वो स्वैप करवाते हैं हम। और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बंदे हैं, कुछ कहते हैं जी हम आपको चेंज कर देंगे इंजन कुछ पैसों के लिहाज से, फिर वो कोई 2 लाख लेगा, कोई 1.5 लाख लेगा, लेकिन जब आप काम करवाएंगे फिर ही आपको आइडिया होगा। लेकिन यह कि रफली यही है कि आपका तकरीबन 160 इसके ऊपर टोटल कास्ट आ जाएगी। और जो ही इंजन चेंज होगा आप गाड़ी चलाएंगे आपको मज़ा आएगा। और इसमें जो है ना मैं आपको बताऊं कि इसमें इलेक्ट्रिक पैडल्स इंस्टॉल होता है, वो इस तरह जिस तरह आप आल्टो चला रहे हैं वैगनार चला रहे हैं वो आपको इस तरह की फील देगा। बाकी जो है ना साथ साथ आपको गाइड करते जाएंगे। अगर आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए आप मुझसे जो है ना वो कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जितना हो सके उससे ज़्यादा गाइड करूँगा, ठीक है। और अगर आपने इंजन लेना है आप परचेज़ करना चाहते हैं मैं आपको जगह बता दूंगा और आप उधर से जाके इंजन परचेज़ कर लीजिएगा। और बाकी ये देख रहे हैं आप साथ साथ कि गाड़ी मसलन कि उन्होंने आगे से साड़ी खोल ली है, इसका इंजन निकालना है और इसमें जो है ना वो उन्होंने इंजन इंस्टॉल करवाना है। बाकी ये दोनों लगे हुए हैं, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की लड़कों ने। और एट द एंड जो है ना फिर क्योंकि गाड़ी काफ़ी पुरानी थी और इसके जो है ना वो नट काबले नहीं थे खुल रहे तो वो खोलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसकी चीज़ें एक एक करके उन्होंने बाहर निकाली बड़ी मुश्किल से, तब जा के कहीं ये मसलन के पाए तकमील पे काम पहुंचा हमारा। लेकिन ये देखें ना ये गोडा निकाल के रखा हुआ एक्सल है साथ उसके, अब ये सारा इसको कर रहे हैं, इसकी कंगी शंगी लाता कर रहे हैं और ये सारा मसलन के इसका बाहर निकालेंगे इसको और इसमें जो है ना वो फिर नई चीज़ें इंस्टॉल होंगी। अभी ये इसको इन्होंने डाल लिया हुआ है, ये आगे से कॉइलें वगैरह उतार रहे हैं इसकी। कॉइलें वगैरह उतारने के बाद जो है ना इसको अभी डाल के रस्सी वगैरह किसी चीज़ से इसको इंजन को बाहर निकालेंगे इंशाल्लाह। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी बताऊंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को लाइक करें। तब